अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ अमरीन दरवेश एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे सामने ही ईदगाह है और आज ईद की नमाज अदा की जा रही है। चलते गाइस, ईद उल फितर की नमाज़ हो चुकी है, इसलिए अमन फैमिली व्लॉग की तरफ से आप सभी लोगों को ईद मुबारक। अभी सालन रेडी हो चुका है, अभी मैं इसको सर्व करने की तैयारी कर रही हूँ। इसको बॉल में भर रही हूँ ताकि अभी हम लोग ब्रेकफास्ट कर लें। खुतबा पढ़ के अभी भाई भी आ चुका है, तो अभी बस अभी नाश्ते के टेबल लगा रहे हैं हम लोग। बहुत जल्दी कर लेते हैं हम लोग ब्रेकफास्ट। हाँ, ब्रेकफास्ट जल्दी कर लेते हैं। और हम लोग को आदत है कि हम लोग सालन ही खाते हैं, क्योंकि डैडी को अच्छा लगता था, तो हम लोग वही रूटीन से अभी भी चल रहे हैं। हम लोग सुबह में ही सालन, पाव, अंडा, जिसको जो चाहिए, क्रीम, सिरकुरमा, यही हम लोग की ब्रेकफास्ट रहता है। और फिर बस ईद के दिन तो सब नाश्ता करने के बाद एक दो घंटा सो ही जाते हैं। इसके लिए थोड़ा हेवी नाश्ता कर लेते हैं कि चलो भाई, और वैसे भी 30 दिन के बाद आज सुबह में टेबल लगता है भाई ब्रेकफास्ट का। राइट। मेरे तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। ईद मुबारक। ईद मुबारक। मम्मी बहुत बहुत ईद मुबारक। बिस्मिल्लाह। ईद मुबारक मम्मी। ईद मुबारक। ये है मेरा ईद का लुक, जो है पाकिस्तानी ड्रेस मारिया बी का। माशाल्लाह, अच्छा लग रहा है। वेरी नाइस, माशाल्लाह, थैंक यू। और ये है मेरा ईद का लुक, आई होप सो यू लाइक इट। इंशाल्लाह, जीते रहो, खुश रहो, आबाद रहो। चलो ए, चलो जीते रहो, खुश रहो, आबाद रहो। आमीन। दीदी यहाँ से, फिर वहां से। दीदी दीदी और आपा। हाँ, ईद तो हो गई, नाश्ता पानी हो गया, हाफ डे तो अपना ईद का हो ही गया। एक दूसरे को विश कर लिए, फोन पे अपने रिश्तेदारों को विश कर लिए, नाश्ता हो गया, क्लीनिंग हो गई, हेल्पर आके चले गई, अभी एट द मोस्ट हाफ डे तो फिनिश, अल्हम्दुलिल्लाह। अब क्या करना है? अब जाना है। कहाँ जाना है? फेवरेट जगह पे, नानी माँ के घर। जी हाँ, तो बस अभी अपन नानी माँ के घर के लिए निकलेंगे। जी हाँ, इंशाल्लाह। व्यूअर्स, अभी आपको हम मिलते हैं गाड़ी में बैठने के बाद, इंशाल्लाह। हम लोग अभी निकल चुके हैं फाइनली अपने घर से, यानी टाउन साइड से, अपने नानी माँ के घर, जो है आसंग गांव, जो 2 घंटे के दूरी पे है। अभी सिर्फ आधा घंटा बचा है हमारे नानी माँ के घर पे पहुँचने में, और यहाँ बहुत सारे बीच में ढाबे आते। फाइनली टोल भी आ गया है, अभी जैसे ही टोल क्रॉस करेंगे बस 15-20 मिनट के बाद इंशाल्लाह हम लोग हमारे नेटिव प्लेस पर पहुँच जाएंगे। लॉन्ग जर्नी है 2 घंटे की, पर हम लोग बहुत इंजॉय करते हैं, और एक्साइटमेंट भी तो होती है अपने नानी माँ के घर पर जाने की। और बस हम लोग म्यूज़िक सुनते हुए, इंजॉय करते हुए ईद के दिन हम लोग हमारे नानी माँ के घर जा रहे हैं। फाइनली हम लोग आ गए हमारे नानी माँ के गांव में। ये है हमारा गांव जहां हम लोग को बहुत मज़ा आती है। और ये है मेरी नानी माँ का घर, याना मेरे नानी हाउस, और यहां से ही 2 मिनट की दूरी है हमारे बालम शाह बाबा की दरगाह।
अब दरगाह की ज़ियारत हो चुकी है और अब हम जा रहे हैं हमारे नानी हाउस। और अभी क्या हो रहा है? क्या हो रहा खाला जान, क्या बन रहा है? पुलाव बन रहा है, चिकन पुलाव। चिकन पुलाव बन रहा है। ओके, तो क्या किया जो आंटी तुमने? सबसे पहले क्या डाले इसमें? प्याज डाले हो? पहले इसमें तेल डाले हमने। अच्छा, तेल लगभग कितना, पाव किलो है? हाँ, पाव किलो। अच्छा, तीन किलो का है पुलाव। अच्छा, ये तीन किलो का पुलाव बन रहा है। अच्छा, इसके अंदर हमने सबसे पहले सब तेल डाले पाव किलो। ओके, पाव किलो। फिर इसमें सब गरम मसाला डाले, जैसे आपने मिरी है, दालचीनी है, कड़ी तेज पत्ता है और जीरा। अच्छा, इसको अच्छे से हम जरा तड़का दे देंगे, अच्छे से सारा सोटे कर लेते हैं। ये करने के बाद फिर इसके अंदर हम क्या डालेंगे? अदरक का मसाला डालेंगे। इसके बाद? हाँ, इसके बाद हम अदरक का मसाला डालेंगे, आलू डाल देंगे। अच्छा, और तो यानी चिकन बिरिस्ता नहीं करने का? नहीं, बिरिस्ता नहीं करना, कच्ची पक्की रखना। कच्ची पक्की रखना। अच्छा, लाल नहीं करना? लाल नहीं करने का। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट चैनल अपन सब डालते जाएंगे, अदरक लहसुन का मसाला, आलू, ऐसा सब सब। हाँ, ओके ओके। अभी यहाँ आंटी धनिए के पत्ते को काट रहे हैं और कड़ी पत्ते को भी काट लिए है, और एक तरफ आलू को भी धोकर काट के रख दिए और चिकन को भी अच्छे से विनेगर के पानी से धो के रख चुके हैं। ये चिकन लगभग 3 किलो है और आलू लगभग। प्याज को थोड़ा कच्चा पक्का कर लेने के बाद उसमें थोड़ा पानी डाल देंगे। फिर पानी को बॉयल आ जाएगा तो फिर आंटी क्या डाले जो आंटी तुमने? ये धनिया, हरा धनिया और कड़ी पत्ता। अच्छा, ये एकदम है ना इजी बनने वाला पुलाव है। जब इंसान बहुत सारे लोग जमा हो जाते हैं और इजी गोइंग, फिर क्या डाल आंटी? अभी अदरक का मसाला। अच्छा, फिर डाल दिया आंटी ने अदरक लहसुन का मसाला। ओके, ये झटपट यखनी पुलाव। या या, झटपट। जब क्राउड हो जाए ज्यादा तो इंसान ऐसा बनाता है। फिर क्या डाले आंटी? जायफल पाउडर। फिर डाले आंटी ने जायफल पाउडर। डाल रहे आलू। क्यों ले जाएगी आलू? हाँ, फिर अजवाइन क्या डाल रहे हो? आलू। आलू का बेटा काम दे दी। अभी आलू को क्या करना है, फ्राई करना है? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं, ये तो सब पानी में डाल दिए ना अपन ने। अच्छा, ये सब रख के बनेगा। अभी थोड़ा टाइम आलू पकने के लिए रख। ओके, पिज्जा बना रहे हैं ना, उसको रफली चॉप कर। अच्छा, इसमें हाँ, ये हमाम दस्ता छोटा। हाँ हाँ, हमाम दस्ता। ये हो जाएगा भारी इसमें। ओके, फिर ये डाल देने का इसमें आलू, एक बार हो जाएंगे तो। अच्छा, नहीं आलू भी, चावल आप डाल देंगे। अच्छा, चावल भी साथ में हो जाएगा? हाँ, आलू भी हो जाएंगे, चावल भी। एक साथ सब हो जाएगा। इजी मेकिंग। हाँ, इजी। फिर इसमें आंटी ने मिर्ची का ठेचा डाल दिए और चिकन डाल दिए जो अप्रॉक्सीमेटली 3 किलो है। फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लिए हैं आंटी ने और इसके अंदर थोड़ा और साजीरा और जीरा डाल लिए क्योंकि इसी में उसका टेस्ट बेसिकली आता है। किस चीज की तैयारी हो रही है? ये बन रहा है कचुम्बर। हाँ, साथ में उसको बोल सकते हैं कि रायता टाइप। अच्छा, जो अकनी में खास बनता है। अच्छा, इसमें थोड़ी सी इमली ले लिए है और पानी और गुड़। अच्छा, अभी मिर्ची पाउडर डाल देंगे और नमक। अच्छा, जब ये गुड़ अच्छे से डिसॉल्व हो जाएगा ना। हाँ, तो ये इमली को इसके साथ स्मैश कर लेंगे और फिर एक प्याज, दो प्याज काट के डाल देंगे। अच्छा, तो ये उसके साथ खाया जाता है। इसको पहले अभी भिगा के रखना पड़ेगा? हाँ, भिगा के रखेंगे जब तक ये गुड़ डिसॉल्व ना हो जाए। अच्छा, इसमें डिसॉल्व ना हो, तो इसको कितना टाइम लगता है? लगभग 15-20 मिनट लगता है गुड़ डिसॉल्व, फिर हो जाएगा। उसके बाद चॉप प्याज डालेंगे। हाँ, फिर चॉप प्याज, हाथ से थोड़ा उसको मिक्स करके। अच्छा, मिर्ची और नमक डाल देंगे और फिर उसमें चॉप प्याज डालेंगे। और ये पानी कितना है? पानी अप्रोक्सीमेटली 1 ग्लास। ओके ओके, ये गुड़ एकदम से डूब जाना चाहिए उसमें। अच्छा, यानी अपने वो प्रमाण के हिसाब से। ओके, ठीक है, डाल देंगे अपने टेस्ट के हिसाब से नमक है ना। जोंडी कितना डालेंगे? चावल और गोश्त का साथ में। अच्छा, ये अलग टाइप की है ना, पहले अपन ने डाले नहीं है। हाँ, तो अभी इसके अंदर हम लोग इसके अंदर नमक डालते हैं। ओके, एज पर योर टेस्ट। ओके, चिकन का भी, आलू का भी, चावल का भी, एक साथ। अच्छा, तो अब ये जोश आ गया अच्छे तरह से। हाँ हाँ, अब डाल देंगे चावल। अच्छा, कितना ग्लास चावल है? 3 किलो। 3 किलो है और 2 किलो मुर्गी। अच्छा, 3 किलो चावल। लगभग यानी 5 किलो का टोटल बन रहा है। नहीं, 5 किलो से ज्यादा, क्योंकि आलू भी 2 किलो है ना आंटी। हाँ, टोटल 7 किलो का है। अच्छा, 2.5 किलो लगभग मुर्गी, 2 किलो आलू और 3 किलो चावल। अच्छा,
यानी अपने लोगों के हिसाब से आदमी कम ज्यादा कर सकते हैं। अभी अपन उनको माशाल्लाह मिले, हाँ अपन ज्यादा लोग हैं, कजन और अपनी खाला लोग सब, तो इसके लिए थोड़ा ज्यादा होगा। ठीक है, एक साथ सब झटपट बनने वाले, सब झटपट बनने वाले, कुछ ज्यादा उसके अंदर वो नहीं होता। स्पेशल पुलाव बाय अंडा, ओके झटपट अग्नि पुलाव, यस। आंटी मैं इसको घुमाती हूँ। आंटी मेरे को लगता है पानी थोड़ा कम है क्या, क्या बस हो जाएगा आंटी? गर्म पानी डालेंगे अपन उसमें। अच्छा अच्छा अच्छा, जल्दी बॉईल आ जाएगा तो जैसा जल्दी। हाँ हाँ हाँ, नहीं तो चावल नरम हो जाएगा ना। बोटी छूटेंगी? अच्छा बोटी नहीं छूटेंगी। अच्छा ये देखो, एक आंटी ने इम्पोर्टेंट टिप बोले कि है ना पानी डालने का गर्म, ताकि इसके अंदर बोटी अपनी एकदम गल ना जाए, जल्दी बॉईल आ जाएगा ना गर्म पानी से। अभी डाल रहे आंटी नॉर का क्यूब, इससे थोड़ा जायका अच्छा आता है टेस्ट के लिए। अभी गर्म पानी डाल और फिर इसके बाद फाइनली गर्म पानी डाल देंगे। ठीक है, बस हो जाएगा आंटी पानी। हाँ तो ये 3 किलो के अंदर कितना अप्रोक्सीमेटली पानी है? 3 लीटर। 3 लीटर ही पानी, अच्छा जितना चावल उतना पानी। ओके, अब ये बड़ा बॉइल हो जाएगा, फिर आंटी उसको तुम दम पे दे दोगे ना? हाँ आंटी ये वाला ले लो, बच्चे लास्ट टाइम। यस, गांव में ये सभी चल रहा है यहाँ के, तो खाने के स्वाद की बात ही और होती। नानी के घर का स्वाद तो ऐसा है कि लंदन फेल। अभी इसको क्या करना है? बस अभी ये बॉईल आएगा ना, उसके बाद इसको दम पे दे देना है। दम पे इन देंस ढक्कन पकड़। हाँ हाँ, चलिए तो देखो वो भी बता देते हम। ओके ठीक है, अभी है ना आंटी अभी इसको दम पे देंगे, अभी पानी थोड़ा बाकी है, इसको सुखाना बाकी है। अच्छा, अभी इसके अंदर जो सबसे लास्ट इंग्रेडिएंट जाएगी वो आंटी डाल के इसको भी इंशाल्लाह दम पे दे देंगे। क्या डालेंगे अभी अपन? कलर डालेंगे। अच्छा कलर डालेंगे येलो वाला, सैफरिन वाला, ये ऑप्शनल है, अगर डालना हो तो डाल सकते हैं, ना डालना हो तो ना डाल सकते हैं। अच्छा। और अगर कलर नहीं चाहिए तो येलो कलर के लिए आप सैफरिन भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, और ना भी डाले तो ये भी वैसे माशाल्लाह बढ़िया ही है। हाँ वो भी है, ये देखो, पर इससे ज़रा लुक और अच्छा है। हाँ, है ना सब में अच्छा होता है ना। अभी आंटी लगता चेक कर रहे हैं कि आलू में भी कितनी कसर है। है कसर आंटी? आ जाएगा, आ जाएगा। ओके, तो अभी बस फाइनल दम पे देना है क्योंकि आलू भी हाफ डन हो चुका है। अच्छा, हाफ डन ही करना है कि ज्यादा गल ना जाए। यस ओके, अभी दम के अंदर फुल हो जाएगा। दे रहे आंटी दम पे अभी? हाँ आंटी, कलर डाल लेना अभी, कलर अभी नहीं, जरा सा और बाकी है। अच्छा ठीक है, पानी भी देना। ठीक है, पीली हो जाएगी फिर। ओके, तो अभी वापस जरा देख रहे क्योंकि उसमें पानी है। अभी जो नेक्स्ट टाइम खोलेंगे ना उसके बाद अपन इसमें कलर डालेंगे। ओके, ठीक है, ओ फिनिश डन। अभी फाइनली आंटी इसमें रंग डाल रहे हैं। वेरी गुड, यस तपीला चढ़ा देंगे और फिर फ्लेम को कम कर देंगे। ओके, और फिर फाइनल 5 मिनट और फिर गार्निश करके सर्व। ओके, शादी माशाल्लाह से अखनी को दम आ चुका है। अभी डाल रहे हैं हम लोग बिरिस्ता। ओके, और ऊपर से डालेंगे एकदम गरम किया हुआ घी, जैसे अपन दाल गोश्त में ऊपर से कैसे मारते हैं। अच्छा, या तो डब्बा गोश्त उसी तरीके से। हाँ। अच्छा, तो ये घी के अंदर भी डाल के फिर ये डालना है। ये फाइनल टच है एकदम खाना खाने का। माशाल्लाह एकदम ऑथेंटिक लग रही है ना, एकदम मजेदार। माशाल्लाह अच्छी खुशबू आ रही है ना मुँह। इसके लिए मैं देखो बोल रही हूँ। Yes. 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 Yes
हमारे सब नवासा नवासियों का फेवरेट डिश है। फेवरेट, एकदम फेवरेट। कोई एक बार खाए तो खाते रह जाए। माशाल्लाह बनती है, इतनी अच्छी है। अच्छी है। और माशाल्लाह यहाँ अपने नाना के घर का तो हर चीज एक नंबर। एक नंबर माशाल्लाह। नहीं खाने वाला खाता है। देखो आलू कैसे गल गया है और ये बोटी भी कैसी गल गई है। और खुशबू तो बहुत ही बढ़िया। खुशबू जब आए तो समझ जाना कि डिश अच्छी बनी, बहुत अच्छी बनी। चलो यवी को अब ये मज़ेदार खाना आंटी थाल में सर्व कर रहे। हम लोग सब कजन्स एक साथ खाना पसंद करते। अभी यहाँ पर हम लोग हमारे हेल्पर के साथ थोड़ी मजाक मस्ती कर रहे क्योंकि दिन भर बेचारे काम करके वो भी थक जाते, तो थोड़ा उनको भी मज़ा आता है जब हम लोगों लोग से मजाक करते हैं। अभी मेरी ये हेल्पर जो है बार की, वो अभी मेरी मसाज करेगी। अभी ये मसाज हो रहा है। आहा, नानी के घर में ये सब फैसिलिटी की तो बात ही कुछ अलग होती है। अगर आज का आपको हमारा ये ईद का ब्लॉग एट नानी हाउस अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।